गोल सेटअप आप लोगों ने खुद करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान वे में हम अपने गोल की सेटिंग कर सकते हैं। अब अपने एडमिन पैनल में जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट डेटा के अंदर आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है गोल्स। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये रियल टाइम एक वेबसाइट के लिए मैंने बना के रखा है। जिस तरह आपने ऐड न्यू गोल के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि हम उस को इवेंट को कॉल कैसे करेंगे, हम प्लेस एंड ऑर्डर को ट्रैक करना है, हमने चेकआउट को करना है, ये क्रिएट अकाउंट, इसमें आप मैं तो मैंने प्लेस एंड ऑर्डर को उसमें करना है, या फिर हम कस्टम भी कर सकते हैं। मैं कस्टम करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ टेस्ट 1। अब वो हमसे पूछते हैं ये किस टाइप का है। ये मैंने किसी डेस्टिनेशन, किसी पेज, डेस्टिनेशन मीन पेज का लिंक, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि thankyou.html। अब जो लोग मेरी वेबसाइट के उस पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे thankyou.html लिखा हुआ है, तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा और ये गोल कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ड्यूरेशन करता हूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे 5 मिनट्स है, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे 5 मिनट से ऊपर बैठा हुआ है तो वो इस गोल के अंदर आ जाएगा पर सेशन। अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे 3 पेजेस या 4 पेजेस खोलता है, सेशन क्रिएट होते हैं उसके, फिर वो इसके इस इवेंट के अंदर कॉल होगा। इवेंट कहते हैं जैसे हम किसी वीडियो का लिंक दे देते हैं, किसी स्पेशल तस्वीर का लिंक देते हैं, और हमारा मकसद होता है हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर या इस स्पेशल बॉक्स के ऊपर कितने लोग आते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रैक करते हैं फेसबुक मैसेजेस को, आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एक वेबसाइट है जो कि बिखरने वाली है, इसमें ये आ गया। अब कितने लोग हैं जो इस चैट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे चैट स्टार्ट करते हैं, वो जो इवेंट, ये इसको जो कॉल होगा या इसको जो ट्रैक करेगा वो यहाँ से हम कर सकते इवेंट के ऊपर जाते हैं। अभी हम सिंपल करते हैं कि हम डेस्टिनेशन को करना है। अब वो हमें यहाँ पे जैसे याद है कन्वर्जन के अंदर हमने चेकआउट के लिए या उसके लिए यहाँ पे हमने एक यूआरएल पुट किया था, ठीक है, सिंपली वैसा यूआरएल हमने यहाँ पे पुट करना कि मुझे चाहिए स्लैश थैंक यू, कि जिस पेज के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इक्वल टू कि इसके बराबर है, ये इसको उठा के मेरे इस गोल के अंदर डाल देगी, ये मेरा गोल कंप्लीट हो गया। मेरा मिशन क्या था कि मैं अपने यूजर को इस पेज के ऊपर लेके जाऊं जिसके एंड में थैंक यू लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंट कह सकते हैं कि बिगिन विद, कि उस पेज का स्टार्ट यहाँ से, और जैसे सब डोमेन लोग बनाते हैं, क्योंकि उस सब डोमेन वाले पेज पर, सब डोमेन वाला जो पेज होता है वो फिर मेन नाम से पहले ही आ जाता है। जैसे वेबसाइट थी shadora.com, जिसका सब डोमेन बनता था सर्विसेज का, वो services.shadora.com था। और अगला एक्सप्रेशन ये भी ऐसे ही है कि उसके उसके अंदर से कहीं से भी उस इस थैंक यू पेज के लिंक को लेके आ रहा है। हम इसे करते हैं इक्वल टू, उसके बाद इसकी वैल्यू वगैरह देने की हमें कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू ऑप्शनल है, और उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें वैल्यू देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फनल हमसे मांगते हैं, अभी फिलहाल हमें यहाँ पे इस लेवल पे फनल भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, फनल आगे नेक्स्ट लेवल पे आती है। अब इसको यहाँ से वेरीफाई गोल करोगे तो आपको ये यहाँ पे परसेंटेज में बता देगा कि 0% लोग पहुंचे थे इस थैंक यू पेज पे पिछले 7 दिनों में। अब सेव करोगे तो आपके पास एक रियल टाइम में सेव हो जाएगा। फिर मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ और मैं आपको ऐड टू बास्केट वाला दिखा देता हूँ जो कि इस टाइम चल रहा है, जो कि मैंने सेटअप किया हुआ है। मैंने यहाँ से सिंपल एंगेजमेंट में जाके ऐड टू बास्केट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट मैं गोल डिस्क्रिप्शन में आया, मैंने यहाँ पे इसका नाम मेंशन किया और टाइप मेंशन कर दी, और उसके बाद थर्ड पार्ट में मैंने इसमें डाल दिया कार्ड, कि जिस भी मेरी इस वेबसाइट के जिस पेज के ऊपर कार्ड स्लैश आ रहा है उसको ये एज ए इवेंट उठाएगा, उसको गोल कंसिडर करके मुझे
मुझे उसके अचीवमेंट शो करेगा कि ये मेरा गोल था, ये मेरा मकसद था और ये मैं इस मकसद में मैं कितने हद तक पूरा हुआ। यहाँ पे जो 7 डे ड्यूरेशन है यहाँ पे आपके सामने ये गोल की अचीवमेंट सारी होती है। अनफॉर्चुनेटली एक काइंड ऑफ डमी अकाउंट है इसलिए यहाँ पे कोई आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रही, बट यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन शो हो रही होती है। फिर मैं आपको एक दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है। जो ऐड टू कार्ट का फर्स्ट स्टेप है उसमें 292 लोगों ने ये गोल को अचीव किया लास्ट 7 डेज में इक्वल टू कार्ड। अब यहाँ से हमारा वेरीफाई वाला पोर्शन लगे था, हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में शो करेगा कि हमारी टोटल ट्रैफिक की जो कन्वर्जन रेट बन रही है वो 2.2। अगर मेरे पास 100 बंदा आता है तो मेरे पास 2.2 बंदा इस पेज तक पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। तो ये था हमारा कन्वर्जन का पार्ट, सॉरी गोल सेटअप का।